महोत्सव का पोस्टर लॉन्च हुआ है, 1 अप्रैल से यमुना महोत्सव मनाया जाएगा। आगरा में यमुना महोत्सव का हुआ पोस्टर विमोचन, 1 अप्रैल को होगा भव्य कार्यक्रम। यमुना को 7 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 8वीं वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, उसी संबंध में आज होटल एलिवेटेड में एक पोस्टर विमोचन का आयोजन किया। यमुना को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य जारी है, यमुना 8वीं वर्ष में प्रवेश कर रही, इसी संबंध में पोस्टर विमोचन किया गया। 1 तारीख को यमुना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जायेंगे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। ये नित्य जो आरती हो रही है यमुना व्यू पॉइंट पे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। लोग इससे जुड़े हैं, आगरा के सभी लोग जुड़े हैं, 9 विधायक दिए आगरा ने, और लोगों की ये मांग है कि या बैराज बनना चाहिए या घाट बनने चाहिए, और बहुत ही अच्छा पिकनिक स्थल है। ताजमहल पर हजारों लाखों आदमी रोज आता है, और ये देखिए कितना आनंद आता है, यही लोगों की मांग है। मेरा नाम नंदन सोत्रिया। 1 तारीख को 8वें वर्ष में यमुना आरती 2015 से चालू करी थी, जो 8 2022 को 1 अप्रैल 2022 को 8वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो महाआरती का आयोजन किया गया है, और कथक डांस, बच्चों के और भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आगरा की सभी जनता से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आए और यमुना तट पर आकर इसका आनंद लें और आरती में भाग लें। श्रोत्रिय यमुना आरती महंत, ये बताना चाहेंगे कि एक के माध्यम से यमुना की दुर्दशा को लोगों को अवगत कराना उसका मुख्य उद्देश्य, और आगरा के लिए जो मुख्य मांग है बैराज की मांग, उसके लिए ये अभियान निरंतर जारी है। बिना किसी नागह के ये आरती नित्य रोज शाम को होती है, शहर के ही नहीं विदेशों से भी लोग आकर आरती में शामिल होते हैं। साथ ही साथ उस आरती के अभियान की के 7 वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो 8वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, उसके उपलक्ष में 1 अप्रैल को यमुना महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, एवं बाल कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत एवं भजन संध्या एवं महाआरती, जिसमें 7 आगरा के 7 मुख्य मंदिरों के महंत 7 आरतियां मुख्य रूप से रहेंगी। 108 दीपक अलग से महिलाओं समाज सेवी लोगों के द्वारा प्रज्वलित यमुना पर किए जाएंगे, दीपदान किया जाएगा। इसी के साथ यमुना के आगरा की बैराज की मांग को आगे आवाज को बुलंद किया जाएगा। मेरा नाम ज्योति खंडेलवाल है, नृत्य ज्योति कथक इनकी डायरेक्टर, और हम लोग पिछले 7 साल से लगातार यहाँ पर आरती कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य आरती का सिर्फ यही है, जो कि कोई धार्मिक ना लेके एक सामाजिक है, कि हम अपनी जो यमुना माँ है उनको बचाएं, जो प्रदूषित हो रही हैं, बैराज की मांग, तो इस तरह से बहुत सारी हमारी मांग, और एक जो आगरा की जीवनदायिनी माँ हैं उनको बचाने का हमारा प्रयास है। और इसी उपलक्ष्य में जब 7 साल पूरे हो रहे हैं और 8वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, तो एक भव्य कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें महाआरती है और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जैसे नृत्य ज्योति कथक केंद्र की तरफ से हम लोग यमुना जी पे कुछ नृत्य नाटिका, उनके गीत, तो नृत्य संगीत के माध्यम से हम ये महोत्सव मना रहे हैं। सिर्फ महोत्सव मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता है, प्रशासन के रूप से जागरूकता है, और इस यमुना जी को हम लोग बचा सकते हैं। यमुना पर बैराज की मांग होती आ रही है, पर लेकिन अभी तक बैराज नहीं बन पाया है, तमाम कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, देखिए बनेगा या नहीं बनेगा ये तो एक, आप सभी जानते हैं कि आधिकारिक काम कैसे होते हैं, फाइलों में अटकते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन ये तब होता है जब सब प्रयास करते हैं, चाहे वो प्रशासन के रूप से हो, सामाजिक संस्थाओं के रूप में हो, तो जब सब मिलके प्रयास करेंगे, और यही यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है कि हम जागरूकता फैलाएं और सरकार पे कुछ प्रेशर बना सकें कि ये कितनी ज़रूरी है, और उम्मीद है कि ज़रूर बनेगा।